की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पार्षद चेलू कुशवा की हत्या का वीडियो आया सामने। आरोपी लाठी डंडों से मारपीट करते आ रहे हैं नजर। अज्ञात व्यक्ति ने बनाया वीडियो, हुआ वायरल। पार्षद हत्याकांड का मामला। वंदे भारत से हमारे संवाददाता सागर शर्मा जुड़ चुके हैं। सागर जी बताइए, पूरा मामला क्या है? मामला मैडम, जो ग्वालियर में मुरार क्षेत्र के अंतर्गत एक बाढ़ के पार्षद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहाँ पर बीती रात्रि में उनका किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हुआ था और जिसके कारण उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जी, ये बताया जा रहा है कि कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। जी मैडम, कोई पारिवारिक उनके यहाँ कार्यक्रम था और कार्यक्रम से लौटने के बाद में उनका कहीं ना कहीं किसी से विवाद वाला हुआ है और विवाद के दौरान उसको रात्रि में मारपीट की खबर मिलते ही मौके पर उनके घर के परिजन भी मौके पर पहुंचे थे और इलाज के लिए उसको अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसकी मौके पर ही अस्पताल के में मृत्यु हो गई थी। जी सागर जी, उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाए और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी लिए। संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी लगातार आ रहा है सामने और मुरार क्षेत्र में समय परिजनों के द्वारा और कुशवाहा समाज में भी काफी आक्रोश है। इस कारण ओबीसी महासभा के द्वारा भी लगातार चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके जो मकान बने हुए हैं उनको भी, आरोपियों के जो मकान है उनको भी तोड़ने की बात कही जा रही है कि ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जी सागर जी, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें आरोपी लाठी डंडों से और सरिया से मारपीट कर रहे हैं। जी मैडम, लगातार इस एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी के द्वारा लाठी डंडे से उसकी मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। काफी निंदनीय चीज है कि एक पार्षद की हत्या कर दी जाती है भाई, और आखिरकार पास में ही सब कुछ थाना भी बना हुआ है। पुलिस की भी रात्रि गश्त रहती है पर कहीं ना कहीं पुलिस की कहीं ना कहीं अनदेखी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना घटित हो गई कि आखिरकार पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने नजर आ रही है। मैडम जी सागर जी, लापरवाही तो देख रही है क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है, ये रात की बात है आप बता रहे हैं जहाँ तक। जी जी, पुरानी रंजिश है, कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश भी मान सकते हैं कहीं, लेकिन आखिरकार पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही सामने नजर आ रही है क्योंकि चूंकि रात्रि में पुलिस की रात्रि गश्त भी रहती है और पास में ही कुछ दूरी पर थाना भी था, पर उसके बावजूद भी आरोपी के द्वारा लगातार रोडों पर उसकी मारपीट की गई और उस मारपीट की वजह से उसकी रात में मौत भी हो गई। इसकी पुलिस का क्या एक्शन हुआ है अभी? लगातार पुलिस के वरिष्ठ मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है और जो जो नाम संज्ञान में परिजनों के द्वारा बताया गया है उसमें से अभी फिलहाल पुलिस के पास लगातार प्रेशर होने की वजह से लगातार एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी सागर जी, ये अज्ञात व्यक्ति जिसने ये वीडियो बनाया है, क्या उसका पता चला अभी? अज्ञात व्यक्ति जिसने जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी किया है उसका पता नहीं चल सका है, पर उसने देखा है कि कहीं ना कहीं आरोपी के द्वारा लगातार उसकी मारपीट की जा रही थी पर वो हिम्मत फास नहीं जुटा पाया बचाने के लिए। जी जी, तो ये थे हमारे संवाददाता ग्वालियर से सागर शर्मा जी।